आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और बार फंक्शन को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं ऊपर, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं एक कमेंट लगा के बता दूं, यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। ये लगा दिया कमेंट, और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ एक फंक्शन। तो यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएटिंग अ फंक्शन, क्रिएटिंग अ फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है, जो हम कहेंगे वैसा काम करेगा, यानी जो हम डिफाइन करेंगे ना वो काम करेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले वर्ड लगा देता हूँ, वर्ड एक कीवर्ड है, इसका मतलब कि ये कुछ रिटर्न नहीं देगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये लगा दिया। अब यहां पर क्या करता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं, लाइक माय ओन फंक्शन, माय ओन फंक्शन, माय ओन फन कर देता हूं, ठीक है। अब ये माय ओन फन एक प्रकार का फंक्शन है, ठीक है। अब इसकी डिक्लेरेशन हमें करनी होगी, डिक्लेरेशन समझते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब कि ये काम क्या करेगा। मैंने फंक्शन तो बना दिया, यहां पे फंक्शन का नाम हमने दे दिया, लेकिन फंक्शन काम कैसे करेगा वो डिसाइड होगा यहां से, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं प्रिंटफ, प्रिंटफ ही लिखते हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन, क्रिएटिंग अ फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन, ठीक है। तो अब जो है माई माई ओन फन जब कॉल करेंगे इसको, तो ये जो प्रिंटफ है ये चलेगा और वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन जो है प्रिंट हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो यहां पर ये प्रिंट हो जाएगा, प्रिंटफ में लिख दिया मैंने, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये तो फंक्शन की डिक्लेरेशन हो गई, हमने डिक्लेरेशन कर दिया फंक्शन का, ठीक है। यहां पर टर्मिनेशन भी कर देंगे, फिर यहां पर आएंगे। अब यहां पर फंक्शन हमने बना लिया है, ठीक है। अब हम यहां पर मेन फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा, बिना मेन फंक्शन के तो आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। तो ये मेन फंक्शन हो गया, ठीक है। अब मेन फंक्शन में हम क्या चाहते हैं, हम कॉल करना चाहते हैं, किसको कॉल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो हमने फंक्शन बनाया उसी को कॉल कर दिया जाए, ठीक है। तो ये कितनी बार कॉल किया, यहां पे माय ओन फन लिख रहा हूं, माय ओन फन, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको एक बार कॉल कर दिया, ये लिखने का मतलब है कि आपने इसे एक बार कॉल कर दिया, और यहां से टर्मिनेट भी कर दीजिएगा, टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद यहां पे रिटर्न जीरो करवा देंगे, ये रिटर्न आर ई टी यू आर एन रिटर्न, और यहां पे जीरो दे देंगे, या फिर इसको रहने देते हैं, रिटर्न जीरो नहीं देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये फंक्शन बन गया, एक बार हमने कॉल किया। चलिए इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस करके, ठीक है। तो यहां पे फनी डॉट सी कर देता हूं इसका नाम। अब ये हमने बना दिया, आप देख सकते हैं ये कमेंट है तो ये प्रिंट नहीं हो रहा, लेकिन ये बताने के लिए कि इस लाइन में क्या हो रही है, कमेंट हमें देना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये कर दिया है हमने, अब इसको चलाएंगे, चलाएंगे कहां से, यहां से बिल्ड पे जाके या शॉर्टकट की का यूज करके कंपाइल करवाएंगे। तो कंपाइल तो हो गया, अब यहां से रन करवाते हैं, तो ये रन भी हो गया। तो यहां पे देखिए वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन, ये कितनी बार प्रिंट हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आउटपुट में आपको बड़े बड़े अक्षर दिखाई पड़ेंगे, थोड़ा आपको देखने में भी आसानी होगी। तो ये देखिए यहां पर वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन, ये एक बार प्रिंट हो रहा है, कितनी बार कॉल करा गया, एक बार कॉल करा गया, ठीक है। अब इसको क्लोज करता हूं, ये जो आउटपुट विंडो है इसको क्लोज करता हूं, और क्लोज करने के बाद हम कहां आएंगे, इसी को कॉपी करते हैं, यहां से कॉपी किया, कॉपी कर लिया, चलिए अब यहां पे एंटर करके नीचे आएंगे और यहां पर एक बार और कॉल कर देंगे, यानी कि ये फंक्शन की जरूरत हमें इस प्रोग्राम में दूसरे बार पड़ी है, करवाने की बारी है, तो यहां से रन भी करवा दिया जाए। तो देख सकते हैं वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन, वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन, ये दो बार आया होता है, ठीक है। क्या होगा अगर तीन बार चार बार कॉल कर दे, तो मैं इन दोनों को एक साथ कॉपी करता हूं, चार बार कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो ये चार बार आएगा, ये फंक्शन चार बार चलेगा, इसकी डेफिनेशन जो लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसको सेव भी कर दिया, और अब यहां से कंपाइल एंड रन दोनों करवाना है, तो आप कंपाइल करवा लीजिए पहले, देन यहां से रन करवा लीजिए। तो यहां पे आप देखेंगे वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन फर्स्ट टाइम, वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन सेकंड टाइम, वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन थर्ड टाइम, और वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन फोर्थ टाइम, यानी चार बार ये चल रहा है। तो यही फंक्शन होता है, ठीक है ना। अब इसको बड़े पैमाने पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, एडिशन करने के लिए, और बड़े प्रोग्राम में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, समझ में आई बात, ओके।